ये जो रास्ता है ये ओल्ड दीघा की तरफ से आ रहा है, ठीक है, और ये है जहाजबाड़ी गेट। और जहाजबाड़ी गेट का सामने पे जो रास्ता जा रहा है ये सीधा, ये जो रास्ता जा रहा है ना ये रास्ते पे सीधा जाना होगा। तो चलिए जाता हूँ फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये वाला मिलेगा गीको बिकॉन रिसॉर्ट, यहाँ से भी आप लोग सीधा जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है होटल मन्नत इंटरनेशनल, ठीक है। इसका ऑपोजिट में बहुत सारा होटल है, होटल ईडन, लोटस, ये सब है। तो मैं अभी जाऊँगा होटल कोजी पे, कोजी इन, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर जाते हैं और दिखाता हूँ। ये मन्नत, इसका ऑपोजिट में ये वाला होटल पे मैं जाऊँगा। तो चलिए रेट्स क्या है नहीं है सब दिखाता हूँ। यहाँ पे कार पार्किंग भी अवेलेबल है, ठीक है, तो जैसा है। चलिए अंदर चलते आप लोगों को दिखाते। तो यहाँ का जो रिसेप्शन है मैं वहाँ पे आया हूँ, तो अभी भैया से मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊँगा जान के, ठीक है, क्या है नहीं है सब कुछ डिटेल्स मैं अभी बताऊँगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुन लीजिएगा। नमस्ते भैया। नमस्ते। आपका नाम क्या भैया? अच्छा, यहाँ पे रूम्स आप लोगों का एसी नॉन एसी क्या है थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए। एसी नॉन एसी सब रकम रूम पावा जाए, सीजन अनुसार है। वर्तमान चलते नॉन एसी 800 টাকা করে। अच्छा। और एसी 1500 টাকা করে। अच्छा। और সিজনের সময় এটা বেড়ে যাবে। সিজনের সময় এটা বেড়ে। সিজনের কেমন কি হয় তখন? এই যেমন ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে এটা এই 1500 টাকা বেড়ে 1700 1800 হয়ে যাবে। আচ্ছা। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी आप लोगों को मिल जाएगा। और एक अच्छा चीज़ मुझे यहाँ पे लगा, यहाँ पे बहुत सारा होटल है जहाँ पे सिंगल अगर कोई आता है तो उनको रूम नहीं मिलता है, रूम नहीं दिया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो भैया आप लोग तो सिंगल बंदे को भी आप लोग प्रोवाइड करते हो रूम, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ, हाँ आइडेंटिटी प्रूफ अपना ज़रूर लेके आना, बिना आइडेंटिटी प्रूफ का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लोग का अभी मैं जाऊंगा और ऊपर पे जितना भी रूम है वो मैं सब कुछ दिखाऊंगा। और भैया अगर कोई मेरा चैनल देख के आता है तो उनके लिए कुछ ज़रूर कर दीजिएगा, ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा चैनल को अगर कोई देख के आता है तो भैया को आके नाम बताइएगा ज़रूर, ठीक है, तो कुछ जितना हो सकेगा भैया डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद भैया। तो आप लोग सुने, मैं पूरा डिटेल्स दे दिया हूँ। कोई अगर दिक्कत आप लोग को होता है तो कमेंट डाउन करना, कमेंट पे ज़रूर से बताना, ठीक है। और ये होटल काफ़ी है, बहुत ही बढ़िया है, मैं खुद रहा हूँ उसमें, तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा। तो आप लोग आइए, बोलूँगा आके एक बार चेक इन ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी। अभी मैं आया हूँ थर्ड फ्लोर पर, तो चलिए यहाँ का कुछ रूम्स मैं दिखा देता हूँ। ये एक एसी रूम है, ये एक एसी रूम है, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है यहाँ का रूम, ठीक है। यहाँ पे एक टीवी है, यहाँ पे एक मिरर दिया गया है और दो चेयर्स है, यहाँ पे एक टेबल इधर पे है। और यहाँ पे यहाँ का बात करूँ तो एक बैल्कोनी है यहाँ पे, छोटा सा एक छोटा सा ऐसा बैल्कोनी है, ठीक है। ओवरऑल बहुत बड़ा ही रूम है यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग। और इधर पे है बाथरूम, वो भी दिखा देता हूँ। ये बाथरूम है, ठीक है, ये भी नीट एंड क्लीन है, बड़ा है। यहाँ पे एक डस्टबिन भी दिया गया है आपको। ये और एक एसी रूम है, ठीक है, ये भी बड़ा है। यहाँ पे एसी है, यहाँ पे टीवी दिया गया है, यहाँ पे एक टेबल है, सेम वो जैसा था वैसा ही है। पहले इसका बाथरूम दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये है बाथरूम, नीट एंड क्लीन बाथरूम है। और यहाँ पे है आपका, यहाँ पे एक छोटा सा बैल्कोनी है। और ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हो
इसके उस साइड में ही जाओगे तो आपको सी बीच मिलेगा, मतलब नज़दीक है, यहाँ से थोड़ा सा ही है। और यहाँ पे है इसका बैलकोनी, ये भी बहुत बड़ा है। ये रहा, ये ऊपर से कुछ इस तरीके का। इन लोगों का पार्किंग स्पेस भी बहुत बड़ा है, ठीक है, बाइक्स कार सब कुछ रख सकते हो यहाँ पे। अब चलिए आप लोगों को नॉन एसी रूम्स दिखाता हूँ। अभी आया हूँ सेकंड फ्लोर पे और यहाँ पे नॉन एसी जो रूम्स है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखिए ये है नॉन एसी रूम्स, ये भी बड़ा ही है, ठीक है। यहाँ पे एक डस्टबिन दिया गया है, यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है, यहाँ पे मिरर है, और यहाँ पे है एक टीवी, ठीक है, यहाँ पे टेबल दो चेयर है, और यहाँ पे बाथरूम भी है, ठीक है। चलिए और एक रूम दिखाता हूँ आप लोगों को। ये भी एक नॉन एसी रूम है, ठीक है, जिसमें मैं था, तो इसमें जैसा दूसरा है वैसा ही है, सेम है। यहाँ पे दो चेयर है, यहाँ पे एक डस्टबिन है, और काफ़ी बड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बाथरूम है ये भी बड़ा है, सही है। यहाँ पे एक मिरर दिया गया है, और ये जो रूम है यहाँ पे एक टीवी भी है, ठीक है। और ये जो रूम है यहाँ पे एक बैल्कनी मिलता है आपको, ये नॉन एसी है लेकिन इसमें भी एक बैल्कनी आपको मिलेगा ऐसा।